एक चीज आप लोगों को आज दिखाना था। एफ वाला भी चैलेंज कंप्लीट हो गया तो आप बनाए थे कितना जितना दिखना ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमें मानसी और आज हमारे चैलेंज का छठा दिन, यानी कि हम लोग बनाने वाले एफ से कुछ। पहले तो हम सोचे थे कि एफ से फ्राइड राइस बना ले, लेकिन मेरा प्लान अब चेंज हो चुका है। एफ से हम बनाएंगे तारक मेहता वाला फाफड़ा। फटाक से चाय बना के पापा लोग को दे आते हैं और दुकान से ले आते हैं बेसन और फटाफट से बनाते हैं एफ से फाफड़ा। हमारे सत्यम भैया भी स्कूल जाने के लिए तैयार है। कैसे कैसे लगाया है देखिए इधर। बाय सत्तू। पता नहीं, नहीं इसमें और इसमें पेंट होगा लेकिन अभी नहीं होगा, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फाफड़ा बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा होम टूर चाहिए ना, तो बस इस वाली वीडियो पे ना आप लोग 100 लाइक्स पूरा दीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, तो हम आप लोगों के साथ जल्दी से अपना होम टूर दे देंगे। वैसे भी हम सोच ही रहे अपने होम टूर को रिकॉर्ड करने के लिए, बट उससे पहले ना आप लोग अगर 100 लाइक इस वीडियो में पूरा दोगे ना, तो फिर मतलब हम बस सोचे हैं उस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ डो बन के तैयार है, चलिए उतने देर में हम लोग थोड़ा सा जो स्टोर रूम है ना उसका सामान निकाल लेते हैं। मीठा है तो आप वाला मिलाए होंगे, थोड़ा सा सस्पेन में चाय था। हाँ, तो उसमें मीठा था। मम्मी वाला खटिया, पापा पता ही खटिया कितना शौक से बनाए थे, कितना जितना दिखना है ना सारा मेहनत पापा किए थे। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। जब ये यहाँ पे गया ना, मतलब नीचे से बहुत अच्छा से होते गया, यहाँ गया ये टूट गया, बताइए। तो अच्छा, सब कुछ करने के बाद ऑब्वियसली बैठेंगे, खटिया तो बैठेंगे जी, बैठे और पता चला खट। चलिए यहाँ का ये सारा सामान निकालते हैं। ये वैसे दुकान का स्टोर रूम है, देखते हो ऐसे। और जब दिवाली का समय आता है, साफ सफाई का समय, तो बस अजान बुझ के ही ऐसा होता है, ऐसे होना नहीं होता। चलिए लगते हैं हम लोग काम पे। इरेक का थोड़ा सा सामान निकाले और दिखाते हैं कितना सारे यहाँ सामान हुआ। देखो जस्ट लुक, यहाँ पे इतना है और थोड़ा सा दादी के रूम में वहाँ है। जब समेटा हुआ रहता है ना कपड़ा, तो पता नहीं चलता। बाकी ये कार्टून सब निकाल देते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद हमको भी निकलना है। आज का एक ग्लास पानी। तो यहाँ कुछ फाफड़ा फ्राई हो रहा है और साथ ही में कुछ इधर है, हो क्या रहा है ना, बहुत ज्यादा ये ना गिला गिला हो गया है तो अच्छे से बन नहीं पा रहा। बाकी इसको मैं ऐसे दबा के किसी तरह काम चला रहे हैं, कोई ना नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से बनाया जाएगा। अभी हड़बड़ में है, देखने लगा भी काम कर रहे हैं इधर भी काम कर रहे हैं। मम्मा लोजिए टेस्ट कीजिए, बन गया। अब इसको सबको भी खिला दिया, हम और खाएंगे, अच्छा लगा। पापड़ का बनाएंगे तो हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, मस्त लग रहा है, अच्छा से बनाएंगे। एम कड़ा आटा खाने लगा, हड़बड़ में हम गीला कर दिए, बाकी मस्त बनाए। आज का मेरा आउटफिट होने वाले ये ब्लू जींस एंड साथ ही में एक व्हाइट टॉप है, जिसको कि हम आज तक नहीं पहने, जो गंगूबाई वाला जो रिकॉर्ड किए थे तब पहने थे उसको एज अ ब्लॉग। चलिए आज एज अ टॉप पहन के ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट मम्मा, एडजस्टमेंट। तुम अगर मेरे पैर के पास बैठ जाओगे तो हम कैसे ट्रांजिशन मारेंगे जिंदगी में। इस तरह का है और जो कि मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है, और इस वाले टॉप को नहीं पहनने का रीजन ये था कि इसका गला थोड़ा सा डीप था, बाकी प्यारा है यार। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। मम्मी उधर नाश्ता का तैयारी कर रही है और मेरा फाफड़ा भी, मतलब एफ वाला भी चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो आप लोग हमको बताओ कि हमको जी से क्या खाना चाहिए, क्योंकि जी से भी अभी हम कुछ सोच के रखे नहीं है, तो सोच ही लेंगे फिलहाल, जब तक आप लोग भी कमेंट में बता दो। मशीन भी हमको ऑन करना पड़ा, कुछ कुछ कपड़ा था तो वो दे दिए, और जब कपड़ा ढूंढो ना तो मिलेगा नहीं, ऐसे धोने का बहुत सारा कपड़ा रहेगा। खैर हम बोरा लेके आए हैं। हाँ मम्मी, जब तक मेरा नाश्ता बना रही है, सोच रहे रूम में जो और हो सकता है वो कर देते हैं। वो जूता चप्पल वगैरह है ना, बोली निकाल के इसमें डाल दो, तो फिर ये निकालने में बन जाएगा। ऑफिस से निकल के हम फिर चले गए थे अपना आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से हमको जाना था बट मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज का मेरा ये लुक है, एंड इस वाले लुक को देख के हमको ये वाला मीम्स याद आ रहा है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक लाइक अ वाओ। एंड हम अभी निकल गए हैं और हम जाएंगे पहले चाय पीने एंड उसके बाद खाएंगे मोमोज। पता है हमको यहाँ वाला मोमो का अलग ही क्रेविंग है, डेली मन करता है कि मोमोज को खा लें, जो कि हम खा नहीं सकते बट खा रहे हैं। कल हम कुछ भी बाहर का नहीं खाए थे, तो आज तो खाना बनता है। और एक बात आप लोगों को कहना है, तो एक चीज आप लोगों को आज दिखाना था, एक ब्रांड का ना हम वेट कर रहे थे काफी टाइम से, मतलब प्रोडक्ट आने का वेट करते, और जब ये आया तो लिटरली देख लो पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग आइडिया ले लो, बाकी का चीज़ आप लोग मेरे वीडियोस में देख लेना, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ गया। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा झोला लेना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ मिला था हमको वो मतलब फूट मिला था, बड़ा सा कार्टून था, कार्टून लेके जाने में बनता नहीं, उसको अलग से कैरी में कर लिए। खैर इसी के साथ चलते हैं चाय पीने के लिए, तो इसको देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं।
हम तो ये सोच रहे हैं एम जिस दिन मेरा चैलेंज एम होगा उस दिन अगर हम 5 प्लेट मोमोज नहीं खाए तो फिर वो चैलेंज तो कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, इंतजार करते हैं एम वाले दिन का। बाकी कल जी है और जी से तुम कुछ सोचे नहीं यार, कुछ बताओ आइडिया दो यार, आप लोग जल्दी से आइडिया दीजिए कुछ, जी से क्या खाया जाए। घर आ चुके हैं और आज थोड़ा पहले आए थे, 6 बजे आ गए थे, तो मम्मी बोली कुछ नाश्ता में बना लो, तो हम पास्ता नाश्ते में बना रहे हैं, पास्ता काफी टाइम के बाद। तो अभी प्याज वगैरह कट करेंगे और मेरा भी कुछ प्रोडक्ट आया हुआ है जिसका कि आप लोगों के पास वीडियो जल्दी चला जाएगा। और हम कुछ तो बोल रहे थे यार, हाँ हुआ यूं कि आज हम ऐप से चैलेंज कर रहे थे, ठीक है, और हम कल लेके आए थे फेरेरो रोचर जिसमें कि हम 2 कल ही खा लिए थे, तो आज हमको देख के याद आता है अरे मेरे पास तो ये भी था, चलिए ये खा लेंगे। एंड एक बात और कहना था कि अपना जो ये अल्फाबेटिकल चैलेंज चल रहा है ना, उसमें हमको बस 2 दिन का पॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मेरा ये दुर्गा पूजा के टाइम पे ना मेरा वीडियोस बहुत ज्यादा डिले हो गया, तो मेरा कोई भी ब्लॉग जैसे आज वाला जो ब्लॉग है वो 2-3 दिन एटलीस्ट लेट जा रहा है, जिसके वजह से अगर आप लोग कुछ सजेस्ट भी करते हो ना कि जी से ये खाना, एम से ये खाना, एप से कुछ भी, तो वो हम कर नहीं पाते, वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते, इसलिए 2 दिन का पॉज लगाते, अप टू डेट हो जाएगा, उसके बाद इस चैलेंज को कंटिन्यू करते। बताओ ये बात, मतलब ये जो मेरा डिसीजन है वो सही था कि नहीं, वो आप लोग बताना। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अभी हम लोग खाएंगे ऐप से फेरेरो रोचर्स, हम लोग खाएंगे तभी जब आप लोग हमसे मिलने आओगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख कंप्लीट करो। मीटअप रखेंगे हम, आप लोगों को बहुत बार बोल चुके हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलके चाय पार्टी करेंगे एंड खाएंगे फेरेरो रोचर्स। तो यहाँ हमारे पास 2 लड्डू तैयार है, चलिए इस लड्डू को खाते हैं। बाकी पास्ता भी सीख चुका है, बाकी प्याज वगैरह भी कट कर दिए, मम्मी चूड़ा को फ्राई करने लगी जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा रुकना पड़ गया, तो सोचे कि चलो लड्डू भी खा लेते हैं। माँ एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा एक आपका। अभी हम लोगों को पता चला है कि हमारे कॉलेज में, मतलब हमारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितना भी अभी तक मैं पैसा लगा ना, सारे का पैसा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश है। 50,000 भी लेंगे और ये भी लेंगे, ये दिस इज वेरी गुड थिंग। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास जितना भी रसीद है सारा वो 12th वाला, 11th 12th वाला सारा मिल रहा है। हम 11th 12th का रसीद जमा करके रखे हैं, लेकिन मेरे पास ना पार्ट 1 का मिल रहा है, ना पार्ट 2 का, ना पार्ट 3 का। भगवान जाने कि हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी बैठ के एकदम एक एक करके आराम आराम से ढूंढ रहे हैं। तो मे बी शायद ये मिल गया भाई, इतना सारा इसमें, इतना सारा मिल रहा है ना पेपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है कौन नहीं है, तो खोजते खोजते जाके कुछ कुछ मिला है। अब देखो होगा तो कल कॉलेज भी जाएंगे, ये भी जमा कर देंगे। अभी कुछ कुछ रसीद हम खोज के निकाले हैं, चलिए इसको काउंट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कौन कौन सा है। अभी इसमें भी हम श्योर नहीं है कि सारा ग्रेजुएशन वाला भी है, मे बी इसमें कोई ना कोई निकल जाएगा 12th का, तो फिर हो जाएगा। हम बैठ के कर रहे थे इस वाले केटली में पेंट और लगभग कलर कंप्लीट हो गया है। अभी मम्मी बात कर रही थी गुड़िया से, तो उस टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, संजोग से रिकॉर्ड नहीं करते, फोन मेरे हाथ में नहीं था, और गुड़िया मम्मी को बोली कि मम्मी भूकंप आया है, सबको निकल रही है हॉस्टल से, तो हम करते हैं बात। उतना देर देख रहे हैं न्यूज वगैरह में भी आ गया, और मतलब हमको तो उससे फर्क नहीं पड़ा, जैसे जमीन पर बैठे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ भूकंप आया। ओह माय गॉड, एक टाइम पे याद है कितना ज्यादा भूकंप आया था, उस टाइम तो हम लोग इतना ज्यादा भूकंप फील करते थे, 2018 में लगभग 18 सितंबर को हम लोग पहला भूकंप फील किए थे, और उस टाइम के बाद मतलब उस ईयर में, मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक में बहुत बार भूकंप आया था, मतलब लगभग समझ लो तो महीना में 15 दिन में 2 दिन में 4 दिन में ऐसे ही आ रहा था। खैर ये सब हटाओ, इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। अभी हम फिलहाल इस केटली को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे सोने के लिए। तो अभी ये इतना दूर कंप्लीट हो गया, इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर, तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे। ओके बाय, ध्यान रखिएगा अपना।